माफ कर दो बादशाह भाई, उस एंथनी की बातों में आकर मैंने ये सब कुछ किया, ये मेरी पहली गलती समझ के माफ कर दो। जब तूने मेरी चमचागिरी शुरू कर दी थी उसी समय मुझे तुम पर शक हो गया था कि तुम मेरी पीठ पर छुरा भोंकने आए। इस बादशाह को कभी नाचते गाते तूने देखा है आरामखोर? नहीं, तभी तुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं तेरी जान को पहचान चुका हूँ। आउट, एंथनी के साथ तो वफादारी कर। आप मुझे नहीं मारेंगे ना? जाओ। सच में? ये बादशाह एक बार बोले तो 100 बार बोलने के बराबर है। जानता हूँ सर, आपके बारे में जानता हूँ, चलता हूँ। बादशाह को मार के आओ कहा था तो उससे प्राणों की भीख लेकर आया है ये इडियट। कोई भी साला उसे टक्कर नहीं ले पा रहा है, नोबडी। उसे अपुन ही खलास करेगा। या मानिक भाई, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने हमारे हाउसिंग कॉलोनी से सब लोगों को निकालकर दूसरी जगह भेज दिया, लेकिन एंथनी ने वहां पर बम रख दिया। रखने दो। अच्छा भाई, एंथनी हमारे वेलफेयर ट्रस्ट की बिल्डिंग में बम रखने का प्लान बना रहा है। बनाने दो। एंथनी गैंग का आदमी बाबू, हमारा पालतू है, एंथनी को पता चल चुका है, वो उसको मारने उसके घर गया है। मारने दो। एंथनी मार्क, एंथनी अब उनके सारे आदमी खरीद लिए, बड़ी जनता तूने इकट्ठी कर ली, भीड़ जमा करके मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये एंथनी बस अकेला ही काफी है तेरे 1000 आदमियों के लिए, अपन तेरे साम्राज्य को मिटा देगा। एंथनी एंथनी बादशाह, तेरे बारे में पेपर वालों ने कुछ लिखा है, जरा पेपर तो देख। बादशाह या बादशाह, मानिक बादशाह, क्या बोला था? भीड़ जमा करके मैं हर काम जीत नहीं सकता, क्यों? बिल्कुल सच, लेकिन ये सब जो मेरे साथ हैं वो जमा की हुई भीड़ नहीं, प्यार से अपने आप मेरे पास आए हैं। ये मेरा अलग साम्राज्य है, प्यार का साम्राज्य, इससे कोई भी नहीं मिटा सकता। अरेस्ट हिम। यस सर। मैंने कहा था ना उसने, सिर्फ 7 दिनों में तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। आज 7वां दिन है तेरी कहानी खत्म, थोड़ी देर में तू पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाएगा। वाह, ससुराल वाले तेरी बड़ी खातिरदारी करेंगे। ए, आज का दिन इस मानिक बादशाह को हमेशा याद रहेगा, बड़ा विशेष दिन है। आज मेरे दोस्त अनवर बादशाह की रूह को शांति मिलेगी। ए, तुझे बोला था ना उस दिन, अच्छे लोगों की भगवान परीक्षण लेता है, साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को सब कुछ देता है लेकिन साथ छोड़ देता है। भगवान ने तेरा साथ छोड़ दिया। मुबारक हो बादशाह भाई, मुबारक हो। मान गए यार, मान गए तुझे, लेकिन कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, गलती जरूर करता है वो। तेरी गलती बताऊं तुझको, तू अपने बाप को अपन के पास छोड़ गया। पुलिस के पहुंचने से पहले अगर तू यहां नहीं पहुंचा तो अपने बाप को हमेशा के लिए खो बैठेगा। माफ करना राधेश्याम, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता। पिताजी,
पूरे परिवार को बादशाह नहीं मार डाला, तुमको बोलना है। पिताजी, मानिक, वो अपने भाई बहनों को अच्छी तालीम देना, डॉक्टर बनाना, इंस्पेक्टर बनाना, अच्छे परिवार में शादी करना चाहता था दोनों की। ये काम तू पूरा करना बेटा। हाँ पिताजी, मैं ये काम जरूर करूंगा, लेकिन बादशाह नहीं, मानिक बनके। बादशाह नहीं रहोगे, ये बंबई छोड़ दोगे। पिताजी भाग जाओ, कहीं दूर चले जाओ, वचन दो, कसम खा मेरी बेटी। कसम से पिताजी, आज के बाद बादशाह नहीं। पिताजी, 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 सुनो पंडित, मानिक बादशाह के पिता के मरते समय बादशाह ने भी दम तोड़ दिया, वो अब जिंदा नहीं है। मानिक भाई, भगवान को प्यारा हो गया, ये खबर फैला दो। इंटेंसिव केयर में इलाज करा रहे वो दोनों भगवान की कृपा से बच गए हैं।